यस, मिडिल ऑफ द डैम मैं पहुंच गया हूँ। उस तरफ कैमरा ले रहा हूँ ना, देखो ऐसा तो थोड़ा सा काला आ रहा है, इस तरफ ले रहा हूँ तो गोरा आ रहा है, तो मेरे को ऐसा चलना पड़ेगा, जो कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर मैं ऐसा चला तो गिरने की संभावना ज़्यादा है। एकदम मिडिल पे खड़ा हूँ, एकदम मिडिल पे, समझ रहे हो, गिरा तो कुछ नहीं बचने वाला। स्टिल अपन ब्लॉगर है, अपना काम है ये सब चीज़ करना। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज़ विशाल दवे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि अगर मैं कहीं बाहर घूमने के लिए जाऊंगा तो मैं आप सभी लोगों को भी लेके जाऊंगा, और आज वो दिन फाइनली आ गया है। आज आपको बाहर के सीन देखने को मिलेंगे घर की बजाय। आप सभी लोगों का यार बहुत बहुत धन्यवाद, घर के अंदर के व्लॉग्स लाए तो आपने इतना सपोर्ट किया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो आई एम श्योर आप सभी लोगों का सपोर्ट तो बिल्कुल आएगा, शेयर भी आप लोग उतना करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम मोंगरा वाटर फॉल। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे, लेकिन मेरे को कुछ अच्छा मिला नहीं इसके बारे में। हो सकता है कि हम इसके बारे में कुछ आप सभी लोगों को अच्छा बता सके। मुझे कुछ भी नहीं पता इस ट्रिप के बारे में, लेकिन जितना मुझे पता चलेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धूप है लेकिन ठंडी भी उतनी है, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अभी अपन निकलते हैं और आपको हर एक चीज़ मैं बताता हूँ। ओके चलो। क्या पानी, लेकिन सॉरी पानी का फोटो नहीं ले पाई मैं वीडियो। देखो एक गाड़ी आ रहा है, दिख रहा है इसमें कितने सारे लोग बैठे हैं ना, सब घूमने जा रहे हैं यहाँ पर। देखो देखो जंगल एरिया है, यहाँ रात के समय बहुत ठंड लगता है। विशाल दवे गाड़ी चला रहे हैं, देखिए देखिए विशाल दवे। अभी मैं पी रहा हूँ चाय। मैं अपने वीडियो में हर बार कहता हूँ जब तक आप चाय ना पियो ना तब तक रिफ्रेश फील ही नहीं होता। तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी चाय पीना जरूरी है, तो मैं चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के बाद फिर ट्रैवल को रिज्यूम करेंगे और आप सभी लोगों को और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले तो चाय पी लेते हैं ठीक है। अगर आपको पीना है तो आ जाओ, विशाल दवे के साथ चर्चा करेंगे चाय पे। मोगरा फॉल नहीं पहुंचे अभी हम लोग ठीक है, बीच में रुक गए हैं। बीच में क्यों रुके हैं, क्योंकि हमको कुछ अच्छी सी जगह दिखी, मैंने सोचा कि चलो अच्छी सी जगह दिखी है तो यहाँ पर भी आप सभी लोगों को दिखा दिया जाए। ये तालाब और ऊपर दिख रहा है माउंटेन, थोड़ा सा जंगल जैसा मुझे लग रहा है, तो हो सकता है कि जंगल हो। अपन नहीं जाएंगे उधर, अपन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, तो इधर जाके अपन टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये पानी आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा गंदा है। और ये है हमारे माउंटेन्स, जो कि छोटे छोटे माउंटेन्स हैं लेकिन ठीक है, अच्छे हैं। मैंने सोचा कि ये जगह मेरे को थोड़ी सी ठीक लगी, यार कुछ कांटा वांटा लग गया मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई नहीं। तो ये जगह मेरे को थोड़ी सी ठीक लगी, यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया। अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ उधर खड़े की है, अभी यहाँ से हम लोग आए, इस रोड से अभी हम लोग आए हैं और अभी हमको सीधा सीधा जाना है ठीक। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की है, गाड़ी पकड़ेंगे और फिर यहाँ से सीधा 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 निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है मोंगरा ठीक है, मोंगरा बैराज परियोजना मुख्य विशेषताएं, यहाँ पर मुख्य विशेषताएं लिखी हुई है। तो हम लोग अभी यहाँ से आए, ये जो रोड दिख रहा है ना, इस रोड से हम लोग सीधा सीधा आए और अब यहाँ से हमको जाने का है सीधा, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मोंगरा इस तरफ पड़ेगा, तो हमको इस तरफ सीधा सीधा जाना है। दीपिका दीदी वहाँ पर मेरा वेट कर रही है, रेडी। देखो स्टिंग पी रही है, ओहो स्टिंग, फिर से स्टिंग, देख रहे हो क्या बात है, बहुत प्रचार कर रहा हूँ मैं स्टिंग का। स्टिंग वालों सुनो, विशाल दवे आपका कितना ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है। अभी अपन चलते हैं सीधा सीधा और मिलते हैं वहाँ पर।
पहुंच चुके हैं मोगरा डैम में। यस, तो यहां से होता है पानी शुरू। और देखिए, आय हाय हाय हाय, कितना कमाल का, मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा डैम होगा, लेकिन यार कमाल का। ये पूरी नदी है, नदी का पार्ट है। यहाँ से उस तरफ जब जाएंगे ना हम लोग, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, तो उस तरफ डैम मिलेगा। देख रहे हो कितना साफ पानी है, ये देखो। तो अगर आप यहाँ पर घूमने आओ तो यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। राजनांदगांव से करीब आपको 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना, उस रोड से जब हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग को लगा था कि यार छोटा सा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस रोड के पास आते गए, वैसे वैसे ये दिखना शुरू हुआ। और भाई साहब, बहुत ही कमाल का, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कोई भी शॉप वगैरह नहीं मिलेगी, तो आपको जितना भी सामान खरीदना है आपको पहले से ही खरीद के लाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग स्नैक्स वगैरह अपने से खरीद के लाएँ और यहाँ पे आके खाएंगे। अभी अपन अंदर चलेंगे और अंदर की झलकों को भी देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर डैम है, ठीक है। यहाँ से जाने का रास्ता है डैम में, यहाँ से अपन डैम देख सकते हैं। और ये जो दिख रहा है, आई थिंक ये गेट है, क्योंकि जब भी पानी भर जाता है ना, तो इस गेट को खोल के पानी का प्रवाह आगे बढ़ाया जाता है। ये तो अच्छी बात है कि हम लोग दिन में आ गए, रात में आते तो आपको फुटेज भी अच्छे से देखने को नहीं मिलती, और शायद ये बंद हो जाती जगह रात को। लेकिन हम लोग सुबह आ गए हैं, देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। देखो, है ना अमेजिंग। ओहो, तो आप लोग आ गए। तो देखिए, आप सभी लोगों को आज विशाल दवे कहाँ पे लेके आया है, तो ये है मोगरा डैम। ज़्यादा लोग इस डैम के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि ये उतना प्रख्यात नहीं है, लेकिन अभी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। तो जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर रहते हैं, तो आप सब लोग तो आने वाले हो। तो यहाँ पर जब भी आओ, हमेशा हमेशा याद रखना कि अंदर आपको खाने पीने का नहीं मिलेगा, आपको बाहर से ही खाने पीने का लाना पड़ेगा। और अपनी सुविधा से आना, अपने व्हीकल में आना, यहाँ पर कोई व्हीकल या कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। फिलहाल तो मैं यार यहाँ पर शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जितना हो सके ना प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ रहिए, अर्थ के साथ जुड़िए। जितना आप जुड़ेंगे उतनी आपको शांति मिलेगी, ओके। और आप लोग जाके अंदर के सीन देखो, ठीक है। चलो देखो, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना यहाँ पर। देखो ये भाई साहब मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से झरना बह रहा है। काइको मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है भाई, अगर पैर फिसला तो तू गया, समझ रहे। कितना शाना है, किनारे में खड़ा है, जैसी मछली इस तरफ आएगी वैसी वो दबक के पकड़ लेगा। लेकिन भाई मेरे को नहीं लगता तेरे हाथ में कुछ लगने वाला है, कोशिश करते रहे, अगर मिल गया तो मिल गया, अच्छी बात है। बाकी हम तो फिलहाल देखो डैम घूम रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। ये देखो सामने नदी जा रही है, ऐसे ना ऐसे गेट लगे हुए हैं यहाँ पर, हर जगह ऐसे गेट लगे हुए हैं, जहाँ से जब पानी ज़्यादा भरा जाता है ना, तो यहाँ से गेट को खोल दिया जाता है और पानी बह जाता है। चिड़ियाओं के घोंसले, मतलब डैम है, डैम के नीचे चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना के रखे, पर आराम से ये महाराज यहाँ पर रह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक साथ सबके सब उड़े थे, और इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं सच बता रहा हूँ, पूरा आसमान इन्होंने भर दिया था। क्या बात है, बर्ड्स, बर्ड्स के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है, मैं दुनिया अधूरी है। सेव बर्ड्स, सेव बर्ड्स, सेव बर्ड्स। साफ लिखा हुआ है कि जल स्तर से दूर रहिए। तो हमेशा जब भी ऐसी जगह पे जाओ ना, तो किनारे पे जाने से पहले एक बार ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। अभी तो नॉर्मल है, अभी कोई भी टेंशन नहीं है, आप किनारे पे जा सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा इसका जल स्तर बढ़ जाता है, और जब जल स्तर बढ़ जाता है ना, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप डूब सकते हो। तो इसीलिए साइन बोर्ड लगाया जाता है, और आई थिंक ये साइन बोर्ड लगाना चाहिए, और लोगों को इस साइन बोर्ड को पढ़ना चाहिए। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है ये, मुझे ना यार पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं लेके गया था हाजरा फॉल्स, आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, वो वाला व्लॉग देख सकते हो, जहाँ पर मैंने कमाल कमाल के सिनेमैटिक्स भी लिए और 4K शॉट्स भी हैं उसके अंदर। जिग्नेश के साथ मैं एक वाटरफॉल गया था, आप सभी लोगों को याद होगा, हथनी माता वाटरफॉल, ठीक है। काफ़ी कमाल का वाटरफॉल था यार, एक था हमारा हाजरा वाटरफॉल, दूसरा था हमारा हथनी माता वाटरफॉल, और अब अभी हम लोग आए हैं मोगरा डैम। इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसकी जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, पीछे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह में इसे बनाया गया है, और मुझे मज़ा आ रहा है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो,
नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि विशाल दवे आप सभी लोगों को हमेशा ऐसी जगह पर ट्रैवल कराता रहता है। अभी मैं आगे भी बढ़ूंगा, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके बाद और भी जगह जाएंगे, और भी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बस आप विशाल दवे की फैमिली में बने रहो, सब्सक्राइबर आप हो अच्छी बात है, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारे ऐसी जगह पर जाएंगे। ठीक है, देखो खाने में हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो ये सब हम लोग खाने का सामान लेके आए हैं, देखो कुरकुरे मिल जाएगा, और एक चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल सकता और वो है ये, देख रहे हो यहाँ पर भी मैं स्टिंग लेके आया हूँ देखो, और टेस्टी नट्स, फैंटा, और ये तो मेरा पावर बैंक है भाई। तो ये सब सामान हम लोग लेके आए हैं, इसके अंदर भी सामान पड़ा, ओहो इसके अंदर भी खाने का पड़ा हुआ है, क्या बात है। ये पानी की बॉटल, अच्छा पानी की बॉटल से मेरे को याद आया, मेरे को ये पानी प्यास लग रही है तो मैं पानी पी लेता हूँ। ओके तो चलो ठीक है, अभी इन सब चीज़ों को खाते हैं, मज़ा करते हैं इस ब्यूटीफुल सीन के साथ। मछलियों के लिए उनको खाना देने का काम कर रहे हैं, और खाने में हम लोग दे रहे हैं ये, ये देख रहे हो, और आई 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 क्या फिश, वो देखो आई है क्या, अच्छा छोटी 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 दिख रही है आपको, दिख रही है क्या, वो देखो एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगी है मछलियाँ आ रही है देखो खाने के लिए। सिंग भजिया खिला रहे हैं, सिंग भजिया खिलाते हैं, चलो लाओ भाई सिंग भजिया लाओ, इधर 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 ठीक है। ये देखो हमने ले लिया है सिंह भजिया, और इसको डाल के देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है। हाय इधर भी है सिंह भजिया, इधर आ जा, आई डोंट नो इसमें क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही, लेकिन मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आ रही है। अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं, काफ़ी कमाल की जगह है, और हवाएं भी उतनी अच्छी चल रही है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल हवाएं चल रही है। देखो ये डैम का आगे का हिस्सा है, अभी हमने पीछे का हिस्सा आप सभी लोगों को दिखाया, जितना भी मैंने दिखाया ना वो पीछे का हिस्सा था, जो कि समुद्र जैसा लग रहा था एक तरीके से। ये सामने का हिस्सा है डैम का, देखो यहाँ से ऐसी नदी जा रही है, और काफ़ी कमाल का ये दिख रहा है। यहाँ में से कुछ कुछ में ना पानी भी जा रहा है, वो देखो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए, अगर वहाँ पर जाने को होता है तो मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊँगा ओके, वहाँ से कैसा आता है व्यू, लेकिन यहाँ से तो ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप भी अगर आना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, ज़्यादा भीड़ होती नहीं है और अच्छा लगता है यहाँ पे आके। काम करो, इन्जॉय करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। अभी अपन हो सके तो नीचे उतरते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं। देखो दीपिका दीदी, ओहो दीपिका दी क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल, ये अकेले अकेले क्या कर रहे हो वहाँ पर, रुक जाओ मैं आता हूँ आता हूँ आता हूँ, हाँ जी हाँ जी। वहाँ से उतरा था, यहाँ पर ना आपको ये ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन पत्थरों पे चलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जिग्नेश आई एम श्योर ये सब देख के जल रहा होगा, जिग्नेश भाई मैं तेरे को मिस कर रहा हूँ यार, अगर ऐसे एडवेंचर पे जिग्नेश और कार्तिक होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन स्टिल ठीक है अभी भी मज़ा ही आ रहा है बहुत। तो जिग्नेश कार्तिक अगर तुम लोग होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोग नहीं हो, गुजरात आएंगे, गुजरात में भी ट्रैवल करेंगे, और उसमें जिग्नेश और कार्तिक को मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा। काम करो, इन्जॉय करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। ऐसा एडवेंचर करने का अलग ही मज़ा है भाई, करने का एडवेंचर, जितना हो सके ना लाइफ में एडवेंचर करने का, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है, और अगर आप एडवेंचर नहीं करोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो एडवेंचर करने का, इन्जॉय करने का लाइफ में यही मैटर करता है, आप जितना ज़्यादा इन्जॉय करते हो, जितनी अपनी लाइफ में मज़ा करते हो, यही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। और अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, विशाल दवे आप सभी लोगों को एडवेंचर करा रहा है, वो अलग अलग जगह जाता है, वीडियो शूट करता है, और आप सभी लोगों के लिए लेके आता है हर रोज़ 10:30 बजे। ओके अभी आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, बड़ा डर लग रहा है मेरे को यार, मिडिल ऑफ द डैम, यस मिडिल ऑफ द डैम मैं पहुँच गया हूँ। देखो डैम के मिडिल में इतना डर लग रहा है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, नीचे गिरे ना भाई कुछ नहीं बचने वाला, सच बता रहा हूँ, अगर नीचे गिरे तो देख रहे हो यहाँ से कितना डेंजरस है, लेकिन ठीक है एक ब्लॉगर का काम होता है डेंजर लेना आप सभी लोगों के लिए, तो वो चीज़ मैं ले रहा हूँ, और धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोई भी हानि ना हो, अगर थोड़ी सी भी हानि हुई ना, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो मोबाइल वोबाइल कुछ भी गिर सकता है, और अगर कुछ भी गिरा तो भाई साहब आप तो जानते हो कितने महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं। अभी हम लोग हैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डरावने ब्रिज पर, देख रहे हो
ज़्यादा ही डरावना है, मेरे को ऐसे 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 से चलना पड़ेगा कि मैं उस तरफ कैमरा ले रहा हूँ ना, देखो ऐसा तो थोड़ा सा काला आ रहा है, इस तरफ ले रहा हूँ तो गोरा आ रहा है, तो मेरे को ऐसा 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 ऐसे चलना पड़ेगा, जो कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर मैं ऐसा चला तो गिरने की संभावना ज़्यादा है। स्टिल अपन ब्लॉगर, अपना काम है ये सब चीज़ करना, अपन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अरे भाई वो लोग आगे तक पहुँच गए, दौड़ के जाना पड़ेगा। ये ऐसा पहली बार आया था ना तो मेरे को लगा भाई खाई आ गई, मैं डर गया था, लेकिन ठीक है डरने की कोई बात नहीं है। अपन चल रहे हैं, ब्रिज क्रॉस कर रहे, धक धक करने लगा, हाय सच में लग धक धक करने लग गया। पीछे पानी की आवाज़ आ रही थी क्योंकि पानी लगातार बह रहा था, अभी यहाँ पर पानी बह नहीं रहा है इसलिए पानी की आवाज़ नहीं आ रही है। उस तरफ जो था ना वहाँ से हम लोग अंदर हुए थे और यहाँ से बाहर निकले हैं, डैम को पार कर दिया हमने और अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है तो चलो जल्दी यहाँ से अपन निकलेंगे बाहर। तो कुछ लोगों को ऐसे क्वेरी आएंगी कि भैया ये कब तक खुला रहता है, सुबह कितने बजे खुलता है, रात को कितने बजे बंद हो जाता है, शाम को? ऐसा कुछ भी नहीं है, 24 आवर्स ही खुला रहता है। बताएंगे इसकी शाम को यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है, तो यहाँ पर शाम को आने से पहले आपको सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन 24 घंटे ऐसा खुला रहता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ से पूछा और पूछने के बाद अभी आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, उन्होंने जैसा मुझे बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर शाम को और रात को भी आप आ सकते हैं, लोग आते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। शाम को यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है जो तैनात हो जाती है, शाम को आप आ सकते हो, लेकिन आओ तो सावधान रहना क्योंकि आई डोंट थिंक कि सिक्योरिटी ये पूरा कवर करती होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा शाम को ख़तरनाक हो जाती है प्लेस, मुझे ऐसा लगता है। मैं यहाँ पर शाम को आया नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वरना आप लोग नीचे कमेंट करना शुरू हो जाओगे भाई तू तो शाम को गया नहीं तो कैसे बोल दिया। सही बात है। मैं अभी आया तो मेरे को ऐसा फील हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर हमारा घूमना घामना हो गया है, अभी हम निकलेंगे अपने अपने घर के लिए। तो आज क्या ऑटो में जाने का है? ओहो दीपिका मैडम ऑटो चलाएंगी, देख रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं आने वाला, इससे अच्छा मैं पैदल चले आऊँगा, भले 5 घंटे का मुझे पैदल चलना पड़ेगा मैं चल जाऊँगा, लेकिन उसके साथ ऑटो मैं नहीं बैठने वाला। ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करता, घर जाते हैं और घर में जाके आप सभी लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है चल लो। हाय तो अभी अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। जी हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वहाँ से हम लोग शाम को निकले थे, यहाँ पर रात कैसे हो गई? तो रात होने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ से मोंगरा डैम जाने में और आने में कम से कम लग जाते हैं आपको 2.5 से 3 घंटे, जाने के 2.5 से 3 घंटे, आने के 2.5 से 3 घंटे, तो 2.5 से 3 घंटे वहाँ पर लग गए। शाम ऑलरेडी हो चुकी थी, हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हम लोग चले गए कैफ़े। कैफ़े में हमने थोड़ी सी कॉफ़ी पी और कुछ खाने वाने का खाया, इसीलिए हमको लेट हो गया। अब हम लोग आ गए हैं फाइनली अपने स्वीट होम में। मैं कपड़े वपड़े चेंज करूंगा, मुँह हाथ धोऊंगा और उसके बाद एडिटिंग में बैठूंगा, क्योंकि कल 10:30 बजे आपको मुझे व्लॉग किसी भी हालत में देना ही देना है। आई होप कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा आज के व्लॉग में, क्योंकि इतने दिनों से मैं सिर्फ घर का व्लॉग कर रहा था, आज के व्लॉग में मैं बाहर गया और आप सभी लोगों के लिए बाहर का कॉन्टेंट भी लेके आया। ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्टेंट मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा। डोंट वरी, विशाल दवे की फैमिली में बने रहो यार, और भी लोगों को जोड़ो, और भी लोगों को बताओ कि हाँ भाई कोई डेली व्लॉगर है जो रोज़ 10:30 बजे व्लॉग अपलोड कर देता है। बस इतना कर दो यार, आपका प्यार चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अभी मुझे जल्दी से जल्दी चेंज करना पड़ेगा और एडिटिंग में बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसको मुझे एडिट करना है आप सभी लोगों के लिए। तो बर्डन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अच्छा बर्डन नहीं है, ये तो काम है। ठीक है चल।